डेडिकेशन क्या है? अभी अभी बाहर से आ रहा हूं और कोई काम धाम नहीं किया और डायरेक्ट वीडियो बनाने बैठ गया, पूम। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। वैसे यार डेडिकेशन के मामले में तो अपना वरुण भी कम नहीं है, नहीं मतलब लॉन्डे को इतना क्रिटिसाइज कर दिया दुनिया ने कि हाँ भाई तेरे बस की नहीं है, कॉमेडी टाइमिंग तेरी है ही नहीं है भाई, बख्श देना। हार मान के राजी नहीं लॉन्डा, अभी भी टिका हुआ है। इसको बोलते डेडिकेशन। मतलब एक बार को दुनिया कोरोना वायरस से मरे ना मरे, ये बाप बेटे की जोड़ी हम लोग को मार के दम लेगी भाई। नहीं मतलब ये 2020 चल रहा है भाई, 2020, और फिर ये लोग बोलते हैं कि रोस्टर्स इनके ऊपर रोस्ट बनाते, नहीं मतलब ये क्या सीन है। अपने चचा को देखो, ट्रेन आ रही है, इतना ही बबला रखा है, जबकि कितनी अगर रियलिस्टिक लाइफ में हम इसकी बात करें ना तो ट्रेन बहुत दूर है। और ये कोई भी, इनफैक्ट मम्मी लोगों का तो बच्चों के प्रति प्यार तुम्हें पता ही, अनकंडीशनल, कोई बता ही नहीं सकता। आंटी भी अगर प्लेटफॉर्म कूद कर जाए ना, बच्चे को 2 सेकंड में हटा ले, लेकिन नहीं, वरुण डे कैप्रियो को मिलकर सबको सुपरस्टार से बनाना है ना, कोई नहीं जा रहा, बस इशारे कर रहे हैं ट्रेन आ रही है। इतने हट्टे कट्टे नौजवान साइड में खड़े, किसलिए खड़े हैं? वो पीछे अंकल को देख लो, मुच्छड़ को। ट्वेंटी ट्वेंटी चल रहा है, ये 2020 डेविड अंकल, दोनों बाप बेटे मिलके क्या चूतिया बना। हमारे पास VFX के पैसे नहीं बचे क्या बॉलीवुड के पास? कैसे नकली भग रहा है यार ये, बच्चे को भी खेलने को ये जगह मिली। भाग वरुण भाग, वरुण वरुण, शाबाश आंटी, बस बचाने मत भगियो अपने बच्चे को, कोई थर्ड पार्टी बचाएगी। वरुण भाई दिल पे मत लो, कोई हेट नहीं है, लेकिन यार मैं लॉजिक के साथ चलता हूं। लेकिन अब देखो, जिस हिसाब से वरुण ने छलांग लगाई, ये साफ पता लग रहा है कि वो बच्चे को टप जाएगा या बच्चे के ऊपर गिरेगा, लेकिन बच्चे से काफी पीछे तो नहीं गिरेगा, साफ पता लग रहा है, देख लो। लेकिन अब क्या होने वाला है? वाह, शकल देखो भेड़िए की, छोटे चेतन की, ये नहीं कि जाके बचा ले। हाय, क्या हेट भी नहीं बोल सकता मैं यार, मतलब ये बकचोदी हमेशा से ही चली आ रही है बॉलीवुड में, हमेशा से ही चली आ रही है। मतलब लॉजिक की माँ बहन कर देते हैं हीरो को भगवान बनाने के चक्करों में, और ये इसीलिए मुझे बाहर की फिल्में ठीक लगती है, कम से कम रियलिस्टिक तो दिखाते हैं। सैलमन बॉय ऐसे ही बदनाम किया हुआ तुम लोगों ने, सैलमन बॉय तो ऐसे ही बदनाम है। रेस 3 का सैलमन बॉय तो फिर भी आसमान में उड़ रहा था, ठीक, ये तो ज्यादा ही हो गया कुछ। अब यार देखो, मेरे को कोई ऐसे दिक्कत तो है नहीं वरुण भाई से, मैं तो बस जनरल बात ही बोलता हूँ। और बात ऐसी है, देखो वरुण भाई आपसे नहीं, आपकी टांगे टूटी हुई है कॉमेडी में यार, समझो बात को, कॉमेडी में आपकी टांगे टूटी हुई है। आपकी आई थी वो फिल्म, कौन सी आई थी वो, बहुत जबरदस्त थी यार, वो अजीब सी नहीं थी वो तो याददाश्त भी ना, वो 2000 years later कौन सी आई थी यार, अक्टूबर, एक्टिंग अच्छी की थी, अच्छा कंसेप्ट, अच्छी एक्टिंग की थी। और यार एक वो आई थी ना वो, बदलापुर में भी यार एक्टिंग जबरदस्त की थी, लेकिन कॉमिक टाइमिंग आपकी नहीं है यार, क्या गलती थी मेरी। और नहीं मतलब सारा दीदी की एक्टिंग के तो क्या ही कहने, क्या ही कहने भाई, क्या ही कहने, नेक्स्ट लेवल। आ जाओ दिखाता हूँ। तुम यहाँ हो, कहाँ चले गए थे तुम, ऐसे मत जाना मुझे छोड़ के, प्लीज ऐसे बंद करना। ये देखा था नहीं लग रहा, ये डिट्टो एक्टिंग मैंने देखी है, ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया सोई, मुझे तंग करने लगे। नहीं मतलब ये कितने मजेदार तरीके से कुछ भी दिखा डालते हैं ना, मतलब डेविड अंकल का मजेदार काम हो रखा है, मतलब सच्ची में भाई बाप ऑफ द ईयर तो डेविड को ही मिलना चाहिए, डेविड अंकल सॉरी रिस्पेक्ट। मतलब अपने बेटे के लिए भाई असली जिंदगी तो ये जी रहे हैं, दो दो हीरोइनों के साथ इनको पिक्चरें दिलवा देता है वरुण को, साथ ही साथ किसी वाले सीन भी रख देता है फिल्म में, ऐसा बाप क्या चाहिए जिंदगी में। इतने में डेविड अंकल का मन थोड़ी भरता है, डेविड अंकल को अपने लॉन्डे को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। एवेंजर्स तो DC वाले तो लड़ रहे हैं आपस में कि नहीं वरुण हमारी टीम में आएगा, वरुण हमारी टीम में आएगा, क्यों, क्योंकि भाई स्प्रिंट ही ऐसे मारी है। और इसे बोलते हैं पिता पुत्र का स्नेह प्रेम। अंकल लॉन्डे के लिए पिक्चर बनाने में इतना अंदर घुस जाते हैं, इतना घुस जाते हैं अंदर कि वो उन्होंने ऐसी ट्रेन बना डाली
जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल रही है। मतलब ठीक है लड़के को हीरो बनाना है, लेकिन इस लेवल का कि एक ऐसी ट्रेन पर भगवा दिया, ट्रेन से तेज स्पीड से तो वरुण भग गया, कोई दिक्कत नहीं, फ्लैश, उसेन बोल्ट सबके सब गए तेल लेने, गजब बेइज्जती है। ट्रेन भगरी बिना इलेक्ट्रिसिटी के, आदमी कूदा, हमारा वरुण बच्चे के ऊपर ही कूद गया। मेरे पास अभी ढक्कन कहाँ गया था भाई? यार आज सुबह सुबह उठ के मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मैंने कूली नंबर वन देख ली सवेरे सवेरे। कैसी लगी? पिंचोलिया मैंने अमेजोन प्राइम पे 129 रुपए कूली नंबर वन के लिए लगाए, इससे अच्छा था मैं 129 MBX वीडियोस पे लगा देता भाई, तो मजा हो जाता मेरा। ये पिंचोलिया कूली नंबर वन से तो मेरी लूली नंबर वन बेस्ट है भाई। बिकॉज आई एम हाईली ट्रेन टू ट्रेन दोज हु थिंक दैट दे आर ट्रेन, whether they are in front of the train or behind the train, because I fight off the train, by the train, for the train, for the train। इतनी फटाकेदार अंग्रेजी बोलता है, हमने क्या उखाड़ लिया जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के हैं, हमसे तो ना बोली जाती माई इंग्लिश इज लाइक हमारी इंग्लिश की तो माँ बहन उठ के, लेकिन ये कुली हो गई थी तोड़ू अंग्रेजी बोल रहा है, मतलब फाइटिंग में तो इसका जवाब ही ना है। ये कुली फाइट भी करता है, ये कुली है फिर, मतलब ये सब कुछ तो कर रहा है फिर, ये कुली है ही क्यों, ये कुली नहीं है लूली है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मतलब इससे पहले भी हमारे वरुण भाई ने काफी खतरनाक खतरनाक फिल्म्स दी हैं, जिसको देखे ऑडियंस ने कुछ ऐसा कहा है, एकदम फालतू पिक्चर है वरुण द्वारा जो साला पिक्चर बनाई है। उसके बाद कलंक आई थी, कलंक को देख के भी कुछ ऐसा रिएक्शन आया था, ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। आदमी थिएटर से जिंदा बाहर निकले ना, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, आदमी बेहोश हो जाएगा। तो इसलिए ना मेरा देख के बजाने का भी मन नहीं कर रहा है यार। तो लेकिन एक आता मीम्स तो हम जरूर देखेंगे बहन, मीम्स तो जरूर देखेंगे, और आई नो मीम्स देखने में ज्यादा मजा आएगा इस कंपेयर टू इस फिल्म के चूतिया सीन्स को देखकर कमेंट्री करने में। एक मीम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगा था मुझे, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। ओए मेरे को बस इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मैंने कितनी बार कहा ये रूल ही खत्म हो जाना चाहिए भाई, नमस्ते का रूल रखो, ये ऐसे हाथ बढ़ाओ और सामने वाला हाथ ना बढ़ाए बेइज्जती हो जाती। मुझे लगा था मेरे साथ मेरे आस पड़ोस के दोस्तों के साथ हो रही, प्राइम मिनिस्टर नहीं बच पाए भाई उस चीज से। वो क्या चूतिया आदमी है भाई, चक्के लगे पड़े हैं बैक के, ये उठाया हुआ है, सही में जो अजीब चूतिया ये। नहीं सीरियसली मतलब डेविड धवन अंकल ने इस बार तो दिमाग ही नहीं लगाया कि हाँ यार थोड़ा बच्चे के लिए बना रहा हूँ, मीमर्स तेज हो चुके हैं अब, सीरियसली वो गलतियां पकड़ेंगे, लेकिन नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेन दौड़ा रहा है, वरुण कूद रहा बच्चे से ऊपर कूद गया, कुछ भी हो रहा है, और अभी बैग उठा रहा है, वो भी वो जिसके ऊपर यार टायर्स लगे हुए हैं। छोड़ो गाइस इससे ज्यादा तो अब क्या ही बनाए वीडियो, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये तो तुम्हें पता ही करना ही करना है, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो यार, 10,000 करा दो भाई मेरे भी प्लीज, एक यूट्यूबर का सपना होता है तुम्हें पता, तो अभी 10,000 होंगे, हम भी बड़े यूट्यूबर्स की तरफ फ्लॉन्ट करेंगे, हमारे पास भी स्वाइप अप का ऑप्शन आएगा, दो चार ऑप्शन खुल जाते हैं यार, समझा करो थोड़ी इज्जत हो जाए, केल ही खा जाएगा सबसे बड़ी बात, कर दो यार कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे मारो, वीडियो को शेयर मारो और हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर।